नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय खंडवा में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग चल रही है और खंडवा के पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा जी विभिन्न मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और साथ में जो भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर बैठे हुए हैं और मतदाताओं को प्रेरित कर रहे हैं मतदान के लिए। तो देवेंद्र वर्मा जी से आज हमारी मुलाकात हुई है। देवेंद्र वर्मा जी यहाँ नागचुन रोड स्थित खानसावली के पोलिंग बूथ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भाजपा के जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं भाजपा के पक्ष में मतदान कराने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं। तो हमारी देवेंद्र भाई से मुलाकात हुई। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इस लोकतंत्र के महापर्व में हमारे देश की जनता ने ठाना है नरेंद्र मोदी को एक बार पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाना है जी, और इस कड़ी में एक नया रिकॉर्ड और एक नया इतिहास दर्ज होने वाला है हमारे देश में जी। अब की बार 400 बार फिर एक बार मोदी सरकार जी, और इस कड़ी में जनता पूरे जोश के साथ उत्साह के साथ मतदान कर रही है जी। हमारे खंडवा में लगभग 40% से ऊपर मतदान प्रतिशत हो चुका है और ये लगभग 70-75 तक जाएगा और निश्चित ही हमारी जीत लगभग 5 लाख के आंकड़े को छुएगी, इस प्रकार का हमारा अनुमान है जी। इस बार क्या मुद्दे रहे जिनको लेकर आप जनता के बीच में पहुंचे थे और जनता इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से बाहर निकल रही है? जनता के बीच में हम हमारे निमाड़ के विकास को लेकर गए थे और निमाड़ का जो विकास हुआ है और निमाड़ के साथ साथ पूरे देश के प्रत्येक गरीब आदमी के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आई है, अर्थात जो मूलभूत तो सुविधाएं आदमी की होती है, बिजली पानी सड़क जी, प्रत्येक व्यक्ति को चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, घर घर नल हो, निःशुल्क राशन हो, निःशुल्क इलाज हो, ये सुविधाएं हमारी सरकार में उपलब्ध कराई गई हैं और इसको बगैर किसी भेदभाव के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिला है और ये योजनाएं लेकर हम गए हैं और निश्चित रूप से इन योजनाओं का लाभ मिला है और आने वाले समय में हमारा देश वैश्विक महाशक्ति बने, आर्थिक महाशक्ति बने, ये सब आम आदमी देख रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से जी आदमी मतदान कर रहा है जी। भाई साहब, जो बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता भाजपा में आ रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण कहीं ना कहीं आज देश में एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कम्युनिस्ट सोच की समाज को तोड़ने वाली नीति पर आगे बढ़ रही है, परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में उनका जनाधार खिसका है और इस प्रकार के उनके वरिष्ठ नेता भी उनकी पार्टी छोड़कर जहां पर पूरी तरह लोकतंत्र कांग्रेस में खत्म हो गया है, एक परिवार के रूप में वो पार्टी बन गई है, परिणाम स्वरूप उनके वरिष्ठ नेता भी आज कांग्रेस छोड़कर जा रहा है जी। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इस बार केंद्र में जो सरकार बनेगी भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी? भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 पार, एक बार पुनः मोदी सरकार। ठीक, धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए जी। जी नमस्कार जी। तो ये थे श्री देवेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने हमारे से विस्तार से बात की। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।